वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर जो है चर्चा करेंगे हमारे नए टॉपिक की, जो कि है इक्विसिटम का डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इक्विसिटम में हम कर रहे थे, इक्विसिटम के अंदर हमने किया था क्या, आर्किगोनियम का डेवलपमेंट सबसे पहले, आर्किगोनियम का, फिर उसके बाद हमने किया एंथ्रीडियम का, ठीक है, एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट, फिर उसके बाद हमने किया फर्टिलाइजेशन, किया फर्टिलाइजेशन किया, ठीक है। अब हम कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन के बाद में जो एम्ब्रियो बन गया है उसका करना है हमें डेवलपमेंट, तो वो कैसे होगा इसके बारे में हम आज के इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम कि किस तरह से आपको डेवलपमेंट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो देखो, अधिकांश जातियों में क्या होता है कि जो उईस्पोर होता है उसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है। उईस्पोर क्या होता है पहले तो हम इसको समझते हैं कि जो उईस्पोर है वो क्या कहानी है। देखो क्या हुआ था कि यहाँ देखते हैं हम नीचे क्या क्या हुआ था, ये मेरे पीछे आपको नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, जब आएगा हम हटा लेंगे। क्या हुआ था कि जैसे कि हमारा जो एग था उस एग से हमारे जो इस तरह का हमारा स्पर्म था, ठीक है ना, इस तरह का जिसमें कुछ फ्रेजिला थे, ठीक है, जूस्पोर था, उस जूस्पोर ने यहाँ पर फर्टिलाइजेशन किया। फर्टिलाइजेशन से जब निषेचन होता है तो जो स्ट्रक्चर बनती है उसे कहा जाता है उईस्पोर। क्या कहा जाता है उसे? उईस्पोर, हिंदी में बोले तो निषितांड, उईस्पोर या निषितांड कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो निषितांड है, इस निषितांड में क्या होगा, यहाँ पर इसमें एक अनुप्रस्थ विभाजन होगा। जो उईस्पोर है इसमें एक अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, अनुप्रस्थ विभाजन से दो कोशिकाएं बनी, दो कोशिकाओं में से एक कोशिका बाहर की और एक कोशिका भीतर की, ठीक है। जो बाहर की कोशिका बनती है उस कोशिका को तो कहा जाता है एपी बेसल सेल। क्या कहा जाता है? एपी बेसल सेल कहा जाता है, ठीक है। जो नीचे की तरफ में जो कोशिका बनती है उसे कहा जाता है हाइपो बेसल सेल। समझ में आई बात? अब ये जो दो कोशिकाएं होती है इनमें से जो ऊपर की कोशिका होती है, जो ऊपर की कोशिका होती है, या आप यूँ समझो कि ऊपर की कोशिका के भी दो विभाजन होते हैं और नीचे की कोशिका के भी एक और विभाजन होता है, इससे भी दो दो कोशिकाएं बनती है। तो इस तरह से चार कोशिकाएं बनती है। कितनी कोशिकाएं बनती है? चार कोशिकाएं बनती है और चार कोशिके जो है एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। चार कोशिके क्या बन जाता है यहाँ पर? एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है। अब इनमें फिर से विभाजन होता है और ये कोशिकाएं जो ऊपर वाली कोशिकाएं होती है ये शूट के निर्माण में काम आती है और नीचे वाली जो कोशिकाएं होती है वो रूट के निर्माण में काम आती है। यानी कि ऊपर वाली जो कोशिकाएं होंगी वो तो क्या बनाएगी? शूट बनाएंगी, और नीचे वाली कोशिकाएं जो होंगी वो क्या बनाएंगी? रूट बनाएगी, ठीक है। प्रत्येक जो एक कोशिका थी, इस प्रत्येक एक कोशिका से लास्ट में चार चार कोशिकाएं बनेंगी। अभी तो कितनी बनी? दो। फिर से डिवीजन होगा, फिर से डिवीजन होने से ऊपर बनेंगी चार कोशिकाएं इस तरीके से, और नीचे की साइड में भी बनेंगी आपकी कितनी कोशिकाएं? चार कोशिकाएं। मतलब इसको मैं दोबारा से बनाता हूँ, इसको ऐसे इसके बजाय दूसरे तरीके से हम डिफाइन करते हैं कि देखो, जैसे कि ये पहले दो कोशिकाएं बनेंगी और फिर इसके अंदर फिर से इन दो दो कोशिकाओं में, पहले तो ये दो कोशिकाएं बनी इस तरीके से, दो कोशिकाएं बनी मतलब दो ऊपर दो नीचे, और फिर इनमें विभाजन हुआ, ये विभाजन हो गया, ये विभाजन हो गया, ये विभाजन हो गया, ये विभाजन हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो नीचे की तरफ हमें दिखाई देंगी चार कोशिकाएं और ऊपर की तरफ में भी हमें दिखाई देंगी चार कोशिकाएं। ये जो ऊपर जो चार कोशिकाएं बनी हैं ये एपी बेसल कोशिकाओं से बनी है, और नीचे की तरफ में जो चार कोशिकाएं बनी है वो किससे बनी है? हाइपो बेसल कोशिकाओं से बनी है, ठीक है। इस तरीके से बनती है और फिर इनसे ही रूट और शूट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान देना है, अब आपको सारी चीज़ पर मैंने बता दिया आपको, अब सारी चीज़ पर ध्यान देना। देखिएगा, तो उईस्पोर बनता है, उईस्पोर को यहाँ पर जायगोट भी हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? उईस्पोर को हम क्या बोलते हैं? उईस्पोर थोड़ा सा और डेवलप होता है और जायगोट का रूप धारण कर लेता है। तो यहाँ पर एक हमारा उईस्पोर था, क्या था? उईस्पोर था, वो उईस्पोर डेवलप हुआ और क्या बनाया उसने? जायगोट बनाया, ठीक है। जायगोट बनाने के बाद में इसमें डिवीजन हुआ और डिवीजन होने से चार कोशिकीय भ्रूण का निर्माण हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर डिवीजन हुआ तो यहाँ पर एक स्टेप छूट गई हमारी इस चित्र में, तो ये स्टेप यहाँ पर हम बना सकते हैं कि ये जो जायगोट है या जो उईस्पोर है इसमें क्या हुआ? विभाजन हुआ, और विभाजन होने से दो कोशिकाएं बनी। ऊपर वाली जो कोशिका बनी उसको तो हमने क्या बोला? उसको हमने बोला एपी बेसल सेल, एपी बेसल, और नीचे वाले को क्या बोला भाई? हाइपो बेसल, ठीक है। नीचे वाले को क्या बोला हमने? हाइपो बेसल कोशिका बोला। समझ में आया?
अब जो एपिवेसल कोशिका है, जो ऊपर वाली जो कोशिका है, देखो ध्यान समझना है, जो ऊपर वाली कोशिका है और नीचे वाली कोशिका है, इनमें फिर से विभाजन हुआ और चार कोशिके एम्ब्रियो का निर्माण हुआ, चार कोशिके भ्रूण का निर्माण हुआ। तो ये जो चार चार कोशिकाओं वाला भ्रूण है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब चार कोशिके भ्रूण का निर्माण होता है, तो अब यहां पढ़ते हैं दोबारा से इसको। हम ऊ स्पोर में अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिससे बाह्य एपिबेसल कोशिका, जैसा कि मैंने आपको बताया ये एपिबेसल कोशिका, तथा भीतरी हाइपोबेसल कोशिका, ये वाली हाइपोबेसल कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, इनमें सस्पेंसर का निर्माण नहीं होता है, सस्पेंसर नाम की कोई चीज नहीं बनती है, यहाँ पर सस्पेंसर नहीं बनता है। ठीक है, नहीं है यहाँ पर सस्पेंसर। सस्पेंसर क्या होता है कि जब एम्ब्रियो निर्माण होता है तो एंजियोस्पर्म के अंदर जो सस्पेंसर होता है उसको भ्रूण को जो है पोषण देने का काम करता है, तो वो यहाँ पर बनता रही, क्योंकि ये क्या है, टेडोफाइट है। ठीक है, किंतु दोनों कोशिकाएं जो होती है वो भ्रूण के निर्माण में भाग लेती है, तो यहाँ पर दोनों ही कोशिकाएं जो होंगी वो भ्रूण के निर्माण में भाग लेंगी, एपिबेसल कोशिका और हाइपोबेसल कोशिका। ठीक है, इन दोनों कोशिकाओं में उदग विभाजन होता है। अब इन दोनों कोशिकाओं में एक और विभाजन होता है, और विभाजन होने से जिससे चार कोशिकीय भ्रूण बनता है, ये दो कोशिकाएं थी, इन दोनों कोशिकाओं में विभाजन हुआ और चार कोशिकीय भ्रूण का निर्माण हो गया, तो इन दोनों कोशिकाओं से ये चार कोशिकीय भ्रूण अपना बन गया है। ठीक है, इसे क्वाड्रीवेलेंट या क्वाड्रेंट, या तो क्वाड्रीवेलेंट बोल दो या फिर आप बोल दो क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट एम्ब्रियो कहते हैं, या चतुष्क एम्ब्रियो बोला जाता है। क्या नाम बोलते हैं इसको हम, चतुष्क एम्ब्रियो, हिंदी में क्या बोलेंगे, चतुष्क भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, फिर इस चतुष्क भ्रूण में फिर से उदग्र विभाजन होता है जिससे ऑक्टेंट एम्ब्रियो यानी कि अष्टक भ्रूण का निर्माण होता है। पहले तो चतुष्क बनता है, फिर बाद में अष्टक भ्रूण का निर्माण होता है, यानी कि ऑक्टेंट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, निर्माण होता है, जिसमें चार एपिबेसल कोशिकाएं तथा चार हाइपोबेसल कोशिकाएं बनती है। ऊपर वाली जो कोशिकाएं होती है उन्हें चार एपिबेसल कोशिकाएं बोल सकते हैं हम, तो यहां पर हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं इसको कि ये आपकी कोशिकाएं बनी चार, फिर इनमें फिर से विभाजन हुआ इस तरीके से, और चार कोशिकाएं एक दो तीन चार ऊपर की तरफ में, एक दो तीन और चार नीचे की तरफ में, तो ऊपर वाली तो चार हाइपोबेसल कोशिकाएं हैं और नीचे वाली जो है वो आपकी क्या है, वो ऊपर वाली तो क्या है एपिबेसल कोशिका, और नीचे वाली कौन सी है, हाइपोबेसल कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो ऊपर वाली जो कोशिकाएं होंगी, ये ऊपर वाली कोशिकाएं तो किसका निर्माण करेंगे, इस सॉरी कलर चेंज करते हैं वापस दोबारा से, ऊपर वाली कोशिकाएं तो किसका निर्माण करेगी, शूट का निर्माण करेगी, और जो नीचे वाली कोशिकाएं हैं वो किसका निर्माण करेगी, रूट का निर्माण करेगी। समझ में आया, तो इस तरह से रूट और शूट का फॉर्मेशन आगे चलकर हमारा होगा। तो चार हाइपोबेसल कोशिकाएं बन गई और चार ही हमारी क्या बन गई, एपिबेसल कोशिकाएं बन गई। ठीक है भाई, चलिए अब जो चार एपिबेसल कोशिकाएं हैं उन चार एपिबेसल कोशिकाओं में से एक प्ररोह की एपिकल सेल, एक कोशिका, देखो यहां पर हमारी चार कोशिकाएं हैं, चार हमारी एपिबेसल कोशिकाएं हैं और चार ही हमारी क्या है, हाइपोबेसल कोशिकाएं हैं। इन चार में से केवल एक कोशिका, ये वाली एक कोशिका, और इन चार में से भी नीचे वाली एक कोशिका। ठीक है, तो ऊपर वाली जो कोशिका है वो तो बनती है एपिकल सेल, क्या बनाती है वो, एपिकल सेल, तो ये तो बन जाएगी हमारी एपिकल सेल बन जाएगी। ठीक है, ये एपिकल सेल बन जाएगी और ये जो है हमारी क्या बनेगी, रूट का पार्ट बनाएगी, यानी कि रूट इनिशियल, इसको क्या बोलेंगे हम, रूट इनिशियल लिखा हुआ है, रूट इनिशियल कोशिका बन जाएगी। ठीक है भाई, अब जो एपिबेसल कोशिकाएं हैं, देखो जो एपिबेसल कोशिकाएं हैं ऊपर वाली, उनमें से एक प्ररोह की एपिकल सेल, एक प्ररोह की एपिकल सेल तथा सेल सेस जो होती है वो लीफ इनिशियल का कार्य करती है। एक तो बन जाती है एपिकल सेल और बाकी जो कोशिकाएं बचती है वो क्या काम करती है, वो लीफ इनिशियल का काम करती है, यानी कि पत्तियों का निर्माण जो होगा वो आगे बाकी जो बची कोशिकाएं हैं उनसे होगा। ठीक है, जबकि जो हाइपोबेसल कोशिकाएं हैं, चार हाइपोबेसल कोशिकाएं जो नीचे की तरफ है, उन कोशिकाओं में से भी एक एक जो कोशिका होगी वो रूट इनिशियल का, और जो तीन कोशिकाएं होंगी वो क्या बनाएंगी, फूट बनाएंगी। तो तीन कोशिकाएं जो बचेंगी वो किसका निर्माण करेंगी, फूट का निर्माण करेंगी। तो अब इस डायग्राम में आप ध्यान से देखो, ये एक कोशिका जो है, ये एक कोशिका है, ये तो क्या है, एपिकल सेल है, ये एक कोशिका जो है ये लीफ इनिशियल है, ये एक कोशिका जो है ये क्या है, रूट इनिशियल है, और बाकी की जो एक कोशिकाएं हैं ये क्या है आपकी, फूट इनिशियल है, फूट को जो फूट का निर्माण करेंगे वो कोशिकाएं हैं। और इस तरह से यहाँ पर एक लीफ और एक लीफ कोशिका इधर बनेगी। ठीक है, इस तरह से बाकी जितनी भी कोशिकाएं बचेंगी वो सब बाद में लीफ का फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, तो तीन कोशिकाएं क्या बनाएंगी, यहाँ पर फूट बनाएंगी, ये फूट का फॉर्मेशन करेंगी। अब जब इस तरह की कंडीशन बन जाती है, इस तरह का जब हमारा एम्ब्रियो जब डेवलप हो जाता है, तो फिर आगे की जो प्रोसीजर होती है वो किस प्रकार से होती है,
आगे देखिएगा, प्ररोह तथा मूल शीर्ष कोशिकाएं तेजी से वृद्धि करती है। जो प्ररोह होता है जो शूट का फॉर्मेशन करेंगी, हमारी एपिकल शूट जो सेल है, एपिकल शूट इनिशियल जो सेल है, जो एपिकल सेल है, ये एपिकल सेल वाला जो पोर्शन है ये शूट का निर्माण करेगा, शूट का। तो ये जो है शीर्ष भाग होता है शूट के लिए, और जो रूट होती है उसके लिए, यहाँ पर जो रूट का निर्माण करेगा उसके लिए रूट का शीर्ष भाग ये होता है, ठीक है। तो प्ररोह तथा मूल शीर्ष कोशिकाएं तेजी से वृद्धि करती है। तो ये ऊपर वाली कोशिका और ये नीचे वाली कोशिका, जो रूट का निर्माण करने वाली कोशिका है, ये दोनों तेजी से क्या करती है, ग्रोथ करती है, ठीक है। तो जो मूल होती है वो तो मूल प्रोथेलस ऊतक को भेद कर, अब ये सब चीजें किसमें लगी हुई है, ये सब चीजें एक प्रोथेलस के अंदर लगी हुई है। प्रोथेलस कैसा था हमारा, प्रोथेलस हमारा इस तरह का था, ठीक है ना, प्रोथेलस हमारा इस तरह का था, ये हमारा प्रोथेलस था, ठीक है। इस प्रोथेलस में यहां पर जो है हमारी क्या लगी हुई है, आर्किगोनियम लगी हुई है। तो यहां से मूल का भेदन करते हुए ये नीचे की तरफ में निकल जाती है, इस तरीके से, समझ में आया। तो प्रोथेलस ऊतक को भेद कर मृदा में प्रवेश कर जाती है, जो मूल होती है, जो रूट बनेगी यहाँ पर, इस जगह पर जो रूट बनेगी, जिस रूट का फॉर्मेशन होगा, वो रूट यहाँ से निकलती हुई नीचे की तरफ में जमीन में अंदर चली जाती है, मृदा में चली जाती है। विकास के दौरान प्राथमिक मूल नष्ट हो जाती है, जब ये डेवलप होता है पूरा का पूरा, तो ये जो प्राथमिक मूल होती है, प्राइमरी मूल, ये तो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और इसकी जगह पर दूसरी जो है अपस्तनिक जड़ें यहाँ पर निकलना शुरू हो जाती है, तथा अनेक अपस्तनिक मूल विकसित हो जाती है। जबकि प्ररोह वृद्धि कर पर्व व पर्व संधियों में विभेदित हो जाता है। जो ये प्ररोह होता है, जो शीर्ष वाला भाग होता है, एपिकल वाला भाग, ये इस तरह से शूट एपेक्स का फॉर्मेशन करता है, और शूट एपेक्स का फॉर्मेशन करके इस तरह के रूट वाले जो नोड और इंटर नोड वाला जो स्टेम है उसका फॉर्मेशन कर लेता है। जबकि यहाँ पर ये अपस्थानिक जड़ें बाहर निकलती है, और ये इसका जो है रूट वाला पोर्शन है, ये इस भाग को भेदते हुए नीचे की तरफ में अंदर प्रवेश कर जाता है, ठीक है। इसके आधार पर कई शाखाएं निकलती हैं, जो आधार भाग होता है वहां पर कई शाखाएं निकलती है, एक शाखा, दो शाखा, तीन शाखा, चार शाखा, इस तरह से, जिनमें से कुछ भूमिगत होकर प्रकंद का निर्माण भी कर लेती है, कुछ तो भूमि के अंदर चली जाती है, जहां पर क्या बन जाता है, राइजोम बन जाता है। तो जो हमारा स्टार्टिंग वाला पौधा था उस तरह की स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट हो जाती है, और ये एक प्रकार का हमारा क्या होता है, स्पोरोफाइट प्लांट होता है। क्या होता है, स्पोरोफाइट प्लांट होता है, जिसके ऊपर वापस से क्या मिलेंगे, हमें स्पोर मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये हमारा आज था लास्ट टॉपिक 21वीं का, जो हमने पूरा कर लिया है। अब एक बार हम जो भी हमने पढ़ाया है उस पूरी चीज को हम लाइफ साइकिल के रूप में यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि जो लाइफ साइकिल है 21वीं का, वो किस तरह का दिखाई देता है, ठीक है भाई। चलिए तो अब हम शुरुआत करते हैं इसकी, कि जो 21वीं का लाइफ साइकिल है वो किस तरह का हमें दिखाई देता है। तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, ताकि हमें, मैं भी आपके सामने रहूं और आपको भी ये दिखाई दे, ठीक है। चलिए तो देखो, जो लाइफ साइकिल होता है हमारा वो किस तरह का होता है। सबसे पहले हमारे पास में ये एक स्पोरोफाइट प्लांट था ना, ये पूरा का पूरा एक स्पोरोफाइट हमारा प्लांट है, ये वाला जो प्लांट है हमारा स्पोरोफाइट प्लांट था 21वीं का, ठीक है। इसमें हमने देखा है कि दो तरह की शाखाएं होती है, एक जो होती है वेजिटेटिव शाखा होती है, वेजिटेटिव सूट जिसको बोला जाता है, और दूसरा होता है फर्टाइल सूट, ठीक है। जो फर्टाइल सूट होता है उसके अंदर स्ट्रोबिलाई का फॉर्मेशन होता है, उस स्ट्रोबिलाई या कोन के अंदर जो है स्पोरेंजियो स्पोर होता है, या स्पोरेंजियो फोर होता है, उस स्पोरेंजियो फोर के अंदर स्पोरेंजियम लगते हैं, स्पोरेंजियम होती है, और उस स्पोरेंजियम में पाए जाते हैं छोटे छोटे स्पोर, ठीक है। ये जो स्पोर होते हैं, ये स्पोर नीचे गिरते हैं और एक जो है प्रोथेलस का निर्माण करते हैं, एक क्या बनाते हैं, ये प्रोथेलस। अब हमने देखा कि जो प्रोथेलस होते हैं वो नर या मादा हो सकते हैं, या फिर वो उभयलिंगी हो सकते हैं, ठीक है। इनके ऊपर एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम का निर्माण होता है। जो एंथ्रीडियम होती है वो एंथ्रीडियम जो है मेल पार्ट होती है, और जो आर्किगोनियम होता है वो फीमेल पार्ट होता है। इस फीमेल के अंदर एग का फॉर्मेशन होता है, और जो एंथ्रीडियम होती है उसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं, मतलब ये जो स्पर्म होते हैं ये तैरते हुए इसके पास चले जाते हैं, और इस एग को क्या कर देते हैं, फर्टिलाइज कर देते हैं। फर्टिलाइज होने से ये क्या होता है, जायगोट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, जायगोट का, ठीक है। और ये सारा प्रोसीजर किसके अंदर हो रहा है, गेमिटोफाइट प्लांट के अंदर होता है, यहाँ पर गेमिटोफाइट के अंदर होता है, ठीक है। तो जायगोट बनने के बाद में जायगोट का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने के बाद में इसी प्रोथेलस के ऊपर एक स्पोरोफाइट प्लांट दोबारा से जन्म ले लेता है। तो इस तरह से इसका लाइफ साइकिल चलता है। तो इसके लाइफ साइकिल के अंदर दो तरह की पीढ़ियां आती हैं, क्या कौन कौन सी आती है, एक स्पोरोफाइटिक पीढ़ी और दूसरी गेमिटोफाइटिक पीढ़ी आती है, ठीक है। तो जो स्पोरोफाइटिक पीढ़ी होती है भाई,
तो जो स्पोरोफाइटिक पीढ़ी होती है वो 2N होती है, और जो गैमेटोफाइटिक पीढ़ी होती है वो N होती है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं डिप्लो हैप्लोन्टिक या हैप्लो डिप्लोन्टिक अवस्था। तो डिप्लो हैप्लोन्टिक अवस्था होती है ये, जिसके अंदर एक अवस्था तो इसकी जो होती है वो प्रभावी अवस्था, जिसे हम बोलते हैं 2N अवस्था, और जो हैप्लोइड अवस्था होती है वो थोड़ी अप्रभावी अवस्था होती है, जो कि एन अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि स्ट्रोबिलाई का स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये भी 2N होता है। स्पोरेंजिया 4 का 2N होता है, स्पोरेंजियम भी 2N होती है, लेकिन जो स्पोर होते हैं वो क्या होते हैं यहाँ पर एन होते हैं। स्पोर जो होते हैं वो क्या होते हैं यहाँ पर एन प्रकार के होते हैं, तो स्पोर हो गए एन प्रकार के। ठीक है, गेमिटोफाइट आपसे पूछा जाए किस प्रकार का होता है, तो एन प्रकार का होता है। ठीक है, एंथेडियम एन प्रकार की, आर्किगोनियम भी एन प्रकार की। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो जायगोट बनेगा वो 2N प्रकार का, और इस जायगोट के ऊपर जो स्पोरोफाइट बनेगा वापस से वो क्या बन जाएगा यहाँ पर 2N प्रकार का होगा। तो इस तरह से अगुणित और द्विगुणित अवस्थाएं इसके अंदर चलती रहती है, इसे ही हम बोलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ इक्विसिस्टम। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था जो हमने पूरा कर लिया है। तो हमारी ये जो है फर्स्ट यूनिट यहाँ पर खत्म होती है, पूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, सेकंड यूनिट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड यूनिट में हमारे पास में दो प्लांट है, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम जो है जिम्नोस्पर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये क्लास रेगुलर चल रही है आपकी और अल्टरनेट में आती है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि और भी क्लासें होती है, और भी कक्षाएं चल रही हैं रेगुलर, तो उस हिसाब से जो है कक्षाएं थोड़ी सी अल्टरनेटिव डेज के रूप में आती है, यानी कि एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आपको ये कक्षाएं मिलती है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको। ठीक है, और जल्दी आपको जो है DPP मिलने शुरू हो जाएंगे, तो आपको DPP सोल्व करने हैं। तो अभी एक मिनट खत्म हो गई, एक मिनट के लिए आपके लिए जल्दी ही हम DPP जो है वो अपलोड कर देंगे, फिर आप उसको सोल्व करिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।